दोस्तों 5 मिलियन ईयर्स पहले एक समय था जब टेरर बर्ड अपनी हथौड़े जैसी चोंच द्वारा लगभग सभी जानवरों को अपना शिकार बनाकर खूब फल फूल रहा था। लेकिन फिर समय बदला और अब इसके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। दरअसल क्रिटेशियस युग में जब दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपस में जुड़ गए, तब मजबूरी में खाने की तलाश में टेरर बर्ड को उत्तरी अमेरिका में पलायन करना पड़ा। अब इस अनजान जगह इसकी सीधी टक्कर होने वाली थी नॉर्थ अमेरिका में पहले से राज कर रहे सेवर टूथ शेरों और जंगली कुत्तों से। जंगली कुत्ते झुंड में आते और टेरर बर्ड द्वारा किए गए शिकार को इससे छीन लेते। ताकतवर होने के बावजूद ये इनकी संख्या से हार जाता था और बेचारे टेरर बर्ड को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता था। दूसरी तरफ ये जंगली कुत्ते टेरर बर्ड के अंडों को फोड़कर खाने लगे, जिसके कारण इनकी संख्या लगातार घटती चली गई। बचे कुचे अंडों से निकले बच्चों को बचाने के लिए भी टेरर बर्ड को बड़ी ही जद्दोजहद करनी पड़ती थी, क्योंकि सेबर टूथ शेर इन पर हमला कर देते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। भूख और लगातार होते शिकार के कारण आखिरकार एक दिन टेरर बर्ड को धरती से विलुप्त होना पड़ा।